हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वेरियस एरिया वेरियस ट्रेड में होंगी और ये गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा रही हैं, तो उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है जिसमें स्टाइफंड भी मिलता है, एक्सपीरियंस लेटर भी मिलता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट या ऑफिशियल्स होते हैं उनके अंडर काम करने का मौका मिलता है और इसके लिए पांचवी क्लास से लेकर टेंथ ट्वेल्थ तक के कैंडिडेट, नाइन्थ के कैंडिडेट, सर्टिफिकेट होल्डर, आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो और जिस तरीके की भी एज क्राइटेरिया हो। और स्टाइफंड जो है वो 5,000 से लेकर के 9,000 तक मिलता है अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कहां पर अप्रेंटिसशिप निकली है। तो सबसे पहली है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गगन प्रोजेक्ट जो है उसका अंडरटेकन है और इसरो के कोलैबोरेशन से ये चलता है। तो AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी ITI अप्रेंटिसशिप है दोस्तों, जिसमें वेरियस ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ITI कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है सरकार का, इसीलिए इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। 44 सीट्स हैं दोस्तों, इसी में ट्रेनिंग मिलेगी, इसी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एक साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें एक साल आपको हर महीने 9,000 रुपये स्टाइफंड मिलेगा और ये नॉर्दर्न रीजन के जितने भी रीजन हैं जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं वहां पर लोकेशन होगी जहां पर ट्रेनिंग आपको मिलेगी। जरूरी डिटेल यह है कि 7 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है इस ट्रेनिंग के लिए। ITI ट्रेड कैंडिडेट ITI NCVT सर्टिफिकेट जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्दर्न रीजन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो पास हो चुके हैं 2020 में ITI या फिर 2020 के बाद वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 26 साल यहां पर रखी गई है, जिनकी एज 26 साल 30 अगस्त तक वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, ITI के परसेंटेज के बेसिस पर मेरिट बेस्ड एक लिस्ट बनेगी, उन्हीं को ईमेल किया जाएगा, उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ईमेल के द्वारा इंटरव्यू होगा और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस हो जाएंगे उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा मेडिकल और पोस्टिंग होगी नॉर्दर्न रीजन में दोस्तों। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। अब अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं। अप्लाई आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया से ही करना है, लेकिन उसके पहले जरूरी चीज देख लीजिए, वह ये कि AAI की वेबसाइट यह है और रिक्रूटमेंट पेज यह है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहां मिल रहा है एंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिसशिप, जो कि 44 पोस्ट है और इसी के साथ आपको एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा या ट्रेड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मिल रहा है, जिसकी 131 पोस्ट हैं। 12 तारीख से शुरू हो जाएगा यहां रजिस्ट्रेशन और जब आप अपडेटेड ऑन 6/10/2022 पर क्लिक करेंगे, इस पर या इस पर जिसका भी आपको नोटिफिकेशन देखना है, तो आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा पर्टिकुलर जिस पर आपने क्लिक किया है और डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है दोस्तों। और सबसे नीचे यानी कि पेज नंबर 4 पर आपको अप्लाई का प्रोसेस मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, यह है वो वेबसाइट, और रजिस्टर ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे और कैंडिडेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा फॉर्म मिल जाएगा और जब आप इसको सबमिट कर देंगे तब आपको आपका ID मिल जाएगा, जिसे ओके करने के बाद आपको ईमेल पर जाना है और एक्टिवेट लिंक जो आई है उसको एक्टिवेट कर देना है। वेरिफिकेशन के बाद लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन के बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, बेसिक डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एड्रेस डिटेल आपको पूरी देना है इस तरह से, और फिर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया के पेज पर आइएगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा और यहां लेफ्ट में जो फिल्टर ऑप्शन है फिल्टर पर आपको ये पोजीशन लिखना पड़ेगी, डेजिग्नेशन कोर्स टाइप में कोपा या स्टेनोग्राफर सर्च कोर्स में और एस्टेब्लिश नेम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वह वैकेंसी मिल जाएगी, पर्टिकुलर इस तरह की वैकेंसी मिल जाएगी जिसमें आप अप्लाई पर क्लिक करके लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो यह प्रोसेस है अप्रेंटिसशिप इंडिया से AAI में अप्लाई करने का, जिसमें कोई भी फीस नहीं है। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी
अप्रेंटिसशिप की देखते हैं दोस्तों। सेकंड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी FSNL यानी फीरो स्क्रैप निगम लिमिटेड से है, जो कि स्टील मिनिस्ट्री का एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। वहां पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है जो कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ग्रेजुएट है, वह अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अप्लाई करना पड़ेगी और ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इन यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट की हैं, और इसके साथ साथ इन स्टेट में आप अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 22 पोस्ट है यहां पर दोस्तों, वैकेंसी है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल से ही करना है, जिसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल यह है कि सबसे पहले यहां पर भी जो अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी परसेंटेज बेसिस पर, एग्रीगेट बेसिस पर। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का, और जो सिलेक्ट होंगे उनको 1 साल ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें पर मंथ 15,000 तक का स्टाइफंड मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है और अप्लाई करेंगे NATS पोर्टल से। तो दोस्तों ये है FSNL की वेबसाइट और ये है उसका रिक्रूटमेंट पेज, जहां पर आपको मिल रहा है 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातक प्रशिक्षु के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा अप्लाई का, और डिटेल नोटिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं। 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है, और यहां पर पूरी प्रोसेस बताई है NATS से अप्लाई करने की, और आपका फोटोग्राफ भी लगेगा, मार्कशीट भी लगेगी, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है कैटेगरी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये यहां पर बताया गया है। और ये पेज नंबर 4 पर आपको पूरी प्रोसेस दी हुई है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको NATS की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको लॉग ऑन करना है, इनरोल करना है, अपना अकाउंट बनाना है और फिर अप्लाई करना है दोस्तों। तो ये है NATS की वेबसाइट, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप यहां इनरोल नाउ या फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। यहां IAM पर आपको आ स्टूडेंट पिक करना है, और फिर ये फॉर्म एक स्टूडेंट के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको जरूरी डिटेल यहां पर पोस्ट कर देना है, इनरोलमेंट फॉर्म को भरना है, और प्रीव्यू करने के बाद कंफर्म कर देना है, यहां 100% होना चाहिए, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस स्टेप पर आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा पुट करके लॉगिन करेंगे तो फिर आपको यह वैकेंसी मिल जाएगी जिसमें आपको अप्लाई करना है। और आपको एस्टेब्लिशमेंट पर फाइंड करना होगा FSNL का नाम, और सर्च करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो यह प्रोसेस है FSNL में अप्लाई करने का। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं दोस्तों। थर्ड अपॉर्चुनिटी आपको रेलवे से मिल रही है, साउदर्न रेलवे में 1300 से भी ज्यादा अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट है, जिसमें काफी सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे 31 अक्टूबर तक। ये स्किल इंडिया और रेलवे के थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। जब आप रेलवे की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहां पर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप का पेज मिल जाएगा। ये साउदर्न रेलवे की वेबसाइट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां नोटिफिकेशन के साथ अप्लाई लिंक भी मिल रहा है। आपको अप्लाई करना है तो आपको पिक करना पड़ेगा। तो इसकी प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। तो ये है साउदर्न रेलवे की वेबसाइट, जो कि sr.indianrailways.gov.in है। यहां पर अब स्क्रॉल हो रहा है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर 3 नोटिफिकेशन है आपको अलग अलग वर्कशॉप के लिए है। जिन भी वर्कशॉप पे आपको क्लिक करना है, अगर नोटिफिकेशन देखना है तो क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और साथ में जितने भी अप्रेंटिसशिप हैं 1343 वो आपको मिल जाएंगी पोस्ट। अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन देखना है किसी भी सेंटर का, सेक्शन का, वर्कशॉप का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। नहीं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो यह पेज खुल जाएगा। सिलेक्ट यूनिट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर से आपको 3 यूनिट मिलेंगे। जिन भी पर भी आपको पिक करना है आप उस पर पिक करेंगे। आपको किस में अप्लाई करना है, फ्रेशर में करना है या ITI, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवीजन को आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आपको उस डिवीजन में जितनी वैकेंसी है 1343 में से, जैसे इसमें 342 है, वो मिल जाएंगी। और फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा जिसमें आपको अप्लाई
एसआई का पूरा फॉर्म मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इसी पेज से जब रजिस्टर कर लेंगे और फिर लॉग इन करना है तो यह पेज मिल जाएगा, जहां पर या तो आप अपने मोबाइल नंबर और बर्थ डेट से लॉग इन कर सकते हैं, या जो फीस आपने पे कर दी है उसके ट्रांजेक्शन आईडी और बर्थ डेट से पिक करके, कैप्चा को पिक करके गेट एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। कुछ जरूरी चीजें और हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डिटेल यह है कि आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट कैंडिडेट ही इस रेलवे ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1343 वैकेंसी हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आप आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो 15 से 22 साल आपकी एज होना चाहिए, लेकिन आप एक्स आईटीआई कैंडिडेट हैं तो 15 से 24 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। 6,000 से 7,000 रुपए स्टाइफंड मिलेगा और एप्लीकेशन फीस इसमें 100 है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई का प्रोसेस आपने देख लिया है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी IOCL यानी इंडियन ऑयल से मिल रही है आपको, पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी इसकी डेट है तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों IOCL आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट तक अप्लाई कर सकते हैं, इवन इसमें डाटा एंट्री के बारे में भी दिया हुआ है, और 25 अक्टूबर तक आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई का प्रोसेस यह है कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे यह पेज ओपन हो जाएगा और यह अप्रेंटिसशिप का पेज है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह है नोटिफिकेशन। दोस्तों देश भर में ये 1500 वैकेंसी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग रिफाइनरी में एक ही तरीके से अप्लाई होगा, और इसमें मैट्रिक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा BSc BCom डिप्लोमा ग्रेजुएट BA BSc अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री का भी यहां पर ट्रेड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एज 18 से 24 साल के बीच में होना चाहिए, और इसमें आप IOCL से ही अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है उसे देख लेते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, आज फिर से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो आप IOCL के इस पेज पर आ जाइएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है जस्ट नीचे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट ट्रेड मिल रहे हैं। आपको पहले नोटिफिकेशन में देख लेना रहेगा कि किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप ITI ट्रेड या फिर जो 10th के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहां पर पिक करना होगा जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, एंड देन यहां सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप पिक करेंगे और फिर आप अप्लाई कर पाएंगे, एक फॉर्म मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। और सबसे आखिरी में अभी डेट जिसके बारे में है वो रेल कौशल विकास योजना है दोस्तों, जिसका 14th बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और नवंबर में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इसमें 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th या फिर 10th से अबव पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप इसको देख लीजिए, और आप 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे, और इस 21 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और मेरिट बेस्ड पर ही इसका सिलेक्शन होगा, यानी कि 10th में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। आप अप्लाई हियर पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, पर डिटेल वीडियो बना हुआ है तो हम यहां टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको जेन्युइनली अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी दोस्तों। यहां पर देश भर के जितने भी रेलवे सेक्शन है, वर्कशॉप है, वहां पर ट्रेनिंग होती है। अगर कुछ स्टेट नहीं है तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट से अप्लाई करना होगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। तो ये थी कुछ अपॉर्चुनिटी जिनमें अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।